यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इसमें हम बात करेंगे पांच शेयर जिसको आप अभी बाय कर सकते हैं, ब्रेकआउट के पांच शेयर है। साथ ही साथ इस गिरते हुए मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग ये शेयर है, जो स्टॉक गिरते मार्केट में ऊपर जा रहा है उसे ही आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब तेज आएगा तो ये स्टॉक और ज्यादा तेजी दिखाएगा। लेकिन दोस्तों ये याद रहे कि रेसिस्टेंस को क्रॉस करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे पहला है कोटक बैंक, कोटक बैंक के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, दो तीन दिन पहले भी, कि बैंक में काफी तेजी है, आप कोटक बैंक को बाय कर सकते हैं। देखिए ये अपने रेसिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है, 2050 रुपीज इसका रेसिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो गजब का तेजी दिखाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। रेसिस्टेंस को क्रॉस करता है तब बाय कीजिए, या यहाँ पर फिर से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन देता है तो उस करेक्शन पे बाय कीजिए। तो काफी बेहतरीन ये स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी सॉलिड है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है एचएलई ग्लासकोट। देखिए ये एक ऐसा शेयर है, एक माइक्रो कैप है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है। देखिए आप उसके बाद दूसरा शेयर है एचएलई ग्लासकोट, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन काफी सॉलिड फंडामेंटल वाली कंपनी है। अगर ये शेयर 4600 के आसपास कभी भी आता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, काफी सॉलिड काफी स्ट्रॉन्ग ये शेयर है, तो इसको आप बाय कीजिए गिरावट में और होल्ड कीजिए, काफी बेहतरीन रिटर्न मिलेगा किसी भी गिरावट में। यह स्टॉक पर है फिलहाल, यह स्टॉक अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है 5235 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आप ब्रेकआउट के लिए बाय कर लीजिए और होल्ड कीजिए अपने डीमैट अकाउंट में। उसके बाद तीसरा जो शेयर है वो है डीमार्ट। डीमार्ट पहले भी मैंने बताया था पिछले दिन भी कि यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है तो इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करता है 4000 के आसपास तो आप इसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं। 4000 के आसपास अगर ये लेवल को फिर से रिटेस्ट करता है, फिलहाल ये स्टॉक हमेशा बाय है क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को ऊपर जाना है, फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर है। उसके बाद IRCTC, ये भी फंडामेंटली काफी सॉलिड है, साथ साथ इसमें स्टॉक स्प्लिट का न्यूज है जिसके कारण इस स्टॉक में काफी तेजी देखने मिल रहा है। ये स्टॉक भी किसी भी डिप में आप इसको बाय करते हैं, फिलहाल ये स्टॉक भी काफी जबरदस्त तेजी में है और गिरते मार्केट में भी आज देखिए जबरदस्त तेजी था लेकिन मार्केट के साथ थोड़ा सा इस स्टॉक में भी गिरावट देखने मिला। तो जैसे ये स्टॉक 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देखिए 4000 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 4000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं और 4500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। काफी बेहतरीन शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड कीजिए, बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट सारे बेनिफिट मिलेंगे, फिलहाल इसमें स्टॉक स्प्लिट आया हुआ है। उसके बाद अगला है करूर विजया बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा बोनस शेयर देने वाला, लॉन्ग टर्म में बोनस शेयर काफी बेनिफिट करता है। देखिए ये स्टॉक मात्र 38 रुपीज के आसपास मिल रहा था, अगर आप भी बाय करते तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा होता लगभग 50%, तो ये भी स्टॉक गिरावट में आप बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफी बेहतरीन ये भी स्टॉक्स है। तो देखिए काफी गिरते मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग था आज, दो बैंक कोटक बैंक करूर विजया बैंक ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक्स 50 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप बाय कीजिए या बाय ऑन डिप कीजिए, मतलब कोई गिरावट यहाँ से दिखाता है फिर से एक करेक्शन तो बाय करते हैं क्योंकि स्टॉक काफी सॉलिड है और यहाँ पर जबरदस्त तेजी दिखाया आज गिरते हुए मार्केट में। तो ये पांच स्टॉक है जिसको अभी आप बाय कर सकते हैं, पांचों स्टॉक्स काफी सॉलिड है, गिरते हुए मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग। और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।